जोहार झारखंड। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि विनोद बिहारी महतो का 100वीं जयंती है, आइए कुछ छात्र से जानते हैं। क्वेश्चन ये रहा मेरा कि विनोद बिहारी महतो का नारा था, वो क्या नारा था बताइए। वो तो पता नहीं हमको। आपको पता है? नहीं। ये नारा सुने हैं? पढ़ो और लड़ो। जी सुने तो हैं, लेकिन बुक वगैरह में पढ़ाया नहीं गया इसके बारे में, तो उतना पता है नहीं। तो क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट करें कि ये सब पढ़ाई होना चाहिए? शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट तो ज़रूर करेंगे कि अच्छा अच्छा पढ़ाए हो, और हमारे ऐसे पढ़ाए हो कि जो हमारे लाइफ में काम आए और अच्छा लगे हम लोग को भी पढ़ने में, और ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ें जो हमें अपने लाइफ में आगे काम आए। थोड़ा सा बता दें, विनोद बिहारी महतो ये नारा लगाए थे पढ़ो लड़ो, ओके, और ये आंदोलनकारी थे जो कि बलियापुर धनबाद से, समझा है? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। धन्यवाद आपको। और नाम बता दीजिए और कहाँ से पढ़े लिखे हुए हैं? जी मेरा नाम विवेक हुआ और मैं नर्रा MTM हाई स्कूल से पढ़ा हुआ। धन्यवाद। और आप? हम लोग सेम। सेम नाम? विकी कुमार। धन्यवाद। कुछ और छात्र से बात करते हैं, आइए। सबसे पहले नाम बताइए। सुनील कुमार। और कौन सा स्कूल से पढ़े लिखे हुए हैं? हम प्लस टू घोषण आया स्कूल से, नावाडी। आज यहाँ पे किस लिए आए, क्या है? आज यहाँ शिक्षा मंत्री हम लोग जगन्नाथ महतो जी हैं, जो 10 और 12 प्लस टू को जो 80% से अबव लाए हैं उसको साइकिल वितरण हो रहा है, तो उसी के संबंध में आए। आज क्या है आज दिन और कौन सा जयंती, कुछ पता है? आज 23 सितंबर है और विनोद बाबू जो हैं उनके अति से ये प्रोग्राम होता है, और उनके आज मतलब वो विनोद बिहारी महतो के बारे में कुछ जानते हैं? वो कुछ नारा दिए थे, याद है कुछ? नारा तो याद नहीं है, लेकिन नाम जानते हैं उनका उसका। जी आज पता है कि ये वो एक बहुत बड़ा आंदोलनकारी थे। जी जी पता है। और कहाँ से कुछ आइडिया है, कहाँ से? झारखंड कौन जिला से? झारखंड के किस जिला से ये तो मालूम नहीं है। चले कि ये बलियापुर प्रखंड धनबाद जिला से। और क्या लगता है आपको मतलब ये सब आंदोलन के बारे में, जैसे कि ये विनोद बिहारी महतो के बारे में स्कूल में जानकारी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, सभी विद्यालय में देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लिए अगर कुछ किए हैं तो जानना चाहिए हम झारखंड के लिए। शिक्षा मंत्री से कुछ रिक्वेस्ट कीजिएगा कि ये अप्लाई करें कि नहीं करें। हाँ, शिक्षा मंत्री से यही रहेंगे कि उनके नाम पर एक चैप्टर बनाया जाए और सभी स्टूडेंट को उनके बारे में और अच्छी जानकारी लेना चाहिए। धन्यवाद आपका। आज विनोद बिहारी महतो 100वीं जयंती पे श्री जगन्नाथ महतो के द्वारा इस भंडारी दा ग्राउंड में साइकिल वितरण किया जा रहा है विनोद बिहारी महतो के जयंती के अवसर पर। किस लिए मिल रहा है, थोड़ा सा छात्र से जानने का कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से। मेरा नाम बिट्टू कुमार है और हम देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज नावाडी के स्टूडेंट। हम लोगों को ये साइकिल 80% से अबव मार्क्स वाली जो ही दिया जा रहा है, जो हमारे जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री द्वारा सभी स्टूडेंट को मौजूद करवाया जा रहा है। सिर्फ इनके क्षेत्र का ही, नावाडी क्षेत्र का ही? हाँ, सिर्फ नावाडी क्षेत्र का ही, भूषण और देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज का बस। ये भाई इंटर किए हुए हैं जो कि 87% है ना, 87% बताया जा रहा है। और ये रेंजर साइकिल दिया गया है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा, और यहाँ भी और वितरण किया जा रहा है सभी लेके, जैसे देख सकते हैं आप सभी की लेके घर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 23 सितंबर 2022 को स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जयंती समारोह, ये BRLDAV है और ये क्षेत्र भंडारी दा का है। यहाँ पे बताते चले कि यहाँ पे इनका आवास है, ऑफिस है, तो यहीं पे बैठते हैं। और यहाँ इनका एक चौक है विनोद बिहारी महतो का, यहाँ पे जयंती मनाया जा रहा है और साथ में साइकिल वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं
टॉपरों को यहाँ बुलाया गया है, जिनका पता चल रहा है कि 80% अभाव। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।